रिसेंटली पाकिस्तान के बिलबोर्ड्स के ऊपर हमें एक बड़ी यूनिक सी एडवर्टाइजमेंट देखने को मिली, जिसके ऊपर लिखा था, प्लीज़ इग्नोर चेंगान एल्जवेन ऑन द रोड, सिंसेरली योर स्टेटस को। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट हमजा जावेद सजवारी ओलेक्स मोटर से। पिछले 25-30 साल से हम देख रहे हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर एक मोनोपोली है। हमें मोस्टली सेडान कैटेगरी के अंदर टोयोटा और होंडा की गाड़ियां नज़र आती थी, जैसे कि होंडा सिटी और करोला, और अब 2020 और 2021 के अंदर हमें यारिस नज़र आना शुरू हुई है। चेंगान एल्जवेन एक चाइनीज़ ब्रांड है जो पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है इस दावे के साथ कि वो इस मोनोपोली को तोड़ेंगे। खैर, ये तो अब यूज़र का जो रिव्यू है, उनका जो रिस्पांस है, वो ही बता पाएगा कि ये गाड़ी ये मोनोपोली तोड़ेगा या नहीं। तो आइए इसका रिव्यू देखें। जब हम इसकी फ्रंट एक्सटीरियर की बात करते हैं, तो जो सबसे पहली चीज़ हम इसके अंदर देखते हैं वो है इसकी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। इसके अंदर जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स इंस्टॉल किए हुए हैं वो अंदर से हम एडजस्टेबल हैं, मतलब कि अगर ऊपर करना चाहें या नीचे ज़मीन पे रखना चाहें तो हम अंदर से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लोगों ने इसके रिव्यूज़ जो मैं देख रहा था नेट के ऊपर, तो लोगों ने एक एतराज़ किया कि इसके अंदर फॉग लैंप्स नहीं है। तो इसके रिस्पांस के अंदर कंपनी ने कहा कि हमने इसके अंदर ऑटो एडजस्टेबल लाइट्स रखी हुई हैं, तो वो फॉग लाइट्स वाला काम भी कर देती हैं। नीचे की तरफ हम जब जाते हैं तो हम देखते हैं बड़ी खूबसूरत तरीके से इन्होंने DRLs, जिन्हें हम डे रनिंग लाइट्स कहते हैं, LED की शक्ल के अंदर यहाँ पे इंस्टॉल की हुई हैं। नीचे क्रोम फिनिश है इसके डिफ्यूज़र के ऊपर। जब हम इसकी सेंटर ग्रिल की बात करते हैं तो वो बटरफ्लाई शेप के अंदर बड़ा खूबसूरत सा इनका बीच में मोनोग्राम है, और इसकी जो सेंटर ग्रिल है, जो बटरफ्लाई ग्रिल है, उसको बड़ी खूबसूरत फिनिश के अंदर बनाया गया है, पियानो ब्लैक के साथ ऊपर सिल्वर ट्रिम दिया हुआ है क्रोम का, तो बड़ी गाड़ी को एक एलिगेंट सी फील देता है। और ओवरऑल अगर हम इसकी फ्रंट से लुक देखें तो बड़ी एक स्पोर्टी सी लुक आती है। अगर हम इसकी बोनेट की बात करें तो हम देखते हैं बड़ी खूबसूरती के ऊपर दो लाइन जा रही कर्व के अंदर, जो साइड प्रोफाइल की जो लाइन्स हैं उसके साथ जाके डिज़ाइन एलिमेंट के अंदर अटैच होती हैं, जो गाड़ी को ओवरऑल बड़ी खूबसूरत सी लुक देती है। तो आइए इसकी साइड प्रोफाइल पर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या है। जब हम इसकी साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमें देखने को मिलती है वो इसकी टायर, जो इसके अंदर इंस्टॉल किए गए हैं वो है 15 इंच के टायर, और 15 इंच का ही अलॉय रिम लगाया गया है, जो बड़ा दिखने में बेसिक साइज पे अगर खूबसूरत सा कोई डिज़ाइन कर देते, या जैसे फ्रंट ग्रिल के ऊपर ब्लैक की एडिशन की हुई है, पियानो ब्लैक की, उस तरह का कोई ब्लैक का कट डाल देते तो गाड़ी की फ्रंट की लुक को भी कॉम्प्लीमेंट करता। अगर हम इसकी डिज़ाइन एलिमेंट की बात करें तो हम देखते हैं कि इसके अंदर ट्विन कर्व है, एक लाइन इसकी बॉडी पे यहाँ पे आ ही रही है और एक इस तरफ जा रही है, जो गाड़ी को एक बड़ी खूबसूरत सी फील देता है। इसके जो डोर हैंडल्स हैं वो इसके गाड़ी की बॉडी कलर के ही आते हैं, और इसके जो साइड मिरर्स हैं वो फोल्डेबल नहीं है, लेकिन अंदर से आप उसकी स्क्रीन की जो मिरर की एडजस्टमेंट होती है वो आप कर सकते हैं। इस गाड़ी में एक अच्छी बात ये है अपने कंपेटिटर्स के मुकाबले में, वो ये है कि इसके जो साइड मिरर्स हैं वो हीटेड हैं, मतलब कि सर्दी के अंदर लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि ऊपर धुंध जमा हो जाती है या काफ़ी ब्लर सा विजन हो जाता है, तो इसके अंदर वो ऑप्शन मौजूद है। तो आइए इसकी बैक साइड पे चलते हैं एक्सटीरियर की और देखते हैं कि पीछे के फीचर्स हैं। जब हम इसकी बैक एक्सटीरियर की बात करते हैं तो जो इसकी बैक लाइट्स हैं उसके अंदर हैलोजन बल्ब लगाया हुआ है, तो इसके अंदर वैसे LED अगर लाइट लग जाती तो गाड़ी को ज़्यादा प्यारी फील आनी थी। साइड पर हमें मिलता है चेंगान का बैच, उसका खूबसूरत सा मोनोग्राम, और नीचे MR मोटर्स की प्लेट लगी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने ये गाड़ी हमें दी रिव्यू के लिए। फिर हम साइड पे देखते हैं कि एल्जविन का यहाँ पे बैच लगा हुआ है, और यहाँ पे इसका ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है 1.5 ल्यूमियर, तो उसका खूबसूरत सा बैच लगा हुआ है। अगर हम इसकी बम्पर की बात करें तो जो गाड़ी के बम्पर के रिफ्लेक्टर्स हैं वो काफ़ी ऊपर लगाए हुए हैं, मतलब कि हमें अक्सर देखते हैं गाड़ी के अंदर काफ़ी नीचे वाले एंड पे लगे होते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी मिडल पे लगे हुए हैं। सामने हमें पार्किंग सेंसर्स लग जाते हैं, जो मुझे लगता है कि इतनी प्रीमियम क्वालिटी के नहीं है, क्योंकि काफ़ी स्टैंड आउट कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे बॉडी के कलर के साथ मैच नहीं कर रहे। अगर हम इसकी ट्रंक स्पेस की बात करें, इसकी बूट स्पेस की बात करें, तो इसका जो फीचर है अनलॉक करने का, इसको ओपन करने का, इन्होंने अपनी जैक नाइफ की के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप बस प्रेस करते हैं और ये ओपन हो जाता है। काफ़ी डिसेंट स्पेस है, काफ़ी मतलब कि आराम से अगर आप लॉन्ग जर्नी पे भी जा रहे हैं तो काफ़ी आपके जो लगेज आराम से यहाँ पे फिट इन हो सकता है। इसके अंदर एक नॉन कन्वेंशनल चीज़ जो दी हुई है वो ये है कि इसकी टूल किट इस एक पैच में आती है, जो आप कहीं भी स्टिक कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल साइड पे कर लिया। अगर हम इसकी नीचे बात करें तो स्पेयर व्हील रखा हुआ है, जो पतला स्पेयर व्हील है, जिसके ऊपर आप 80 की स्पीड से ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि ये साइज़ में पतला होता है। ये था इसका ट्रंक स्पेस। तो आइए चलते हैं इंजन वाली साइड पे, देखते हैं कि इंजन के क्या फीचर्स हैं। अगर हम इसकी इंजन की बात करें तो इसके अंदर 1500 cc का इंजन इंस्टॉल किया हुआ है, जो तकरीबन 105 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और 145 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है, और इसके अंदर यूरो 5 टेक्नोलॉजी है, जो इको फ्रेंडली प्रोस्पेक्टिव को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है, और इसके अंदर चेंगान की अपनी ड्राइव बैटरी इंस्टॉल की हुई है, और चीज़ें इसकी जो हैं जो बड़े तरीके के साथ अपनी अपनी जगह पर इंस्टॉल हुई हुई हैं। तो ये था इसका इंजन बे। अब हम चलेंगे इंटीरियर वाली साइड पर, देखेंगे अंदर क्या फीचर्स हैं।
जब हम इसके इंटीरियर की बैक स्पेस की बात करते हैं, पैसेंजर सीट्स की बात करते हैं, तो लेग स्पेस भी काफ़ी मुनासिब है और हेड स्पेस भी काफ़ी मुनासिब है। मतलब कि अगर इसके कंपेटिटर्स में होंडा सिटी और टोयोटा यारिस को देखें तो हेड स्पेस भी काफ़ी रीजनेबल है और लेग स्पेस भी काफ़ी रीजनेबल है। वही बात कि हर जगह प्लास्टिक का इस्तेमाल किया हुआ है और हार्डली काफ़ी कम जगहों पर ये फॉक्स लेदर का, लेदर रेड मटीरियल का इस्तेमाल किया हुआ है। चारों तरफ स्पीकर लगे हुए हैं, चारों दरवाज़ों के अंदर स्पीकर इंस्टॉल हैं। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस दी हुई है सामान रखने के लिए। एक और चीज़ की जो कमी महसूस होती है वो ये है कि यहाँ पे अगर आर्म रेस्ट दे देते तो दो लोग लॉन्ग रूट के ऊपर ये काफ़ी एक कंफर्टेबल चीज़ होती। बाकी सीट बेल्ट दिए हुए हैं। अगर हम होंडा सिटी टॉप ऑफ द लाइन उसके जो वेरिएंट है उसकी बात करें तो वहाँ पे बैक पे भी एसी वेंट दिए हुए हैं, तो वो एक उस गाड़ी के लिए प्लस पॉइंट है जो इस गाड़ी के टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट के अंदर आराम से ये इनकॉर्पोरेट कर सकते थे, तो गाड़ी की और फीचर्स में इजाफा हो सकता था। और अगर हम इसके नीचे बेड की बात करें, इसके नीचे जहाँ पे पाँव रखने की जगह होती है, तो कोई भी ऐसा हम्प नहीं है, बड़ा छोटा सा हम्प दिया हुआ है। तो अगर लॉन्ग रूट पे तीन लोग जा रहे हों तो उनके लिए कंफर्टेबल होगा, लेकिन अगर दो लोगों के लिए वो एक आर्म रेस्ट की भी ऑप्शन दे देते जैसे टोयोटा करोला के अंदर होती है, तो ये एक बड़ा इनके फीचर्स में इजाफा होता। तो आइए इसके फ्रंट पर चलते हैं, देखते हैं फ्रंट पर क्या फीचर्स हैं। जब हम गाड़ी के इंटीरियर की बात करते हैं तो हमें नज़र आता है कि बड़ी प्लास्टिक की फील है, मतलब कि उन्होंने अपनी तरफ से लेदर को इमिटेट करने की कोशिश की है, लेकिन हर तरफ ना काफ़ी हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ पे भी ग्लव कंपार्टमेंट में, इवन स्टेयरिंग पे, मतलब स्टेयरिंग पे भी तो लेदर ओरिजिनल लग सकता था ताकि उसकी एक अच्छी फील आ जाती। राइट साइड पर हम देखते हैं कि इसके अंदर एरोप्लेन वेंट दिए हुए हैं, सेंटर पे कन्वेंशनल वेंट हैं, एरोप्लेन जैसे एमजी में आया हुआ उस तरह की लुक देता है। यहाँ पर भी स्टोरेज स्पेस दे दी है, डोर के अंदर भी है थोड़ी, यहाँ पर भी दे दी है, और अंदर सिल्वर ट्रिम के साथ पियानो ब्लैक का फिनिश है जो गाड़ी को एक खूबसूरत फील दे देता है। बीच में ब्लू का भी शेड डाला हुआ है जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर तीन कलर के हमें टोन्स मिल जाती हैं। अगर हम स्टेयरिंग की बात करें तो स्टेयरिंग के ऊपर बाकी जो उसकी कंपेटर्स गाड़ियां हैं जैसे कि होंडा सिटी है और टोयोटा यारिस है, इसके अंदर इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट के अंदर लुमियर के अंदर इन्होंने क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन दिया हुआ है, जो एक इस प्राइस रेंज के अंदर, इस एक नई गाड़ी के अंदर एक बड़ी एक नई चीज़ है। राइट पे हमें म्यूज़िक कंट्रोल का मिल जाता है, कॉल वगैरह का मिल जाता है, म्यूट का बटन मिल जाता है। यहाँ पे हमें वही कन्वेंशनल स्टिक मिल जाती है लाइट कंट्रोल करने की, ऑन करने की, ऑफ़ करने की। लेफ्ट हैंड साइड पे हमें इसकी वाइपर की स्टिक मिल जाती है। यहाँ पे हमें इको आइडल का मोड मिल जाता है और यहाँ से हम अपना ट्रंक भी ओपन कर सकते हैं। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो दो वेरिएशन से बना हुआ है कि इसके अंदर एनालॉग भी है और डिजिटल भी है। अच्छा, जो थोड़े ओल्ड स्कूल लोग हैं जो गाड़ियों के पुराने शौकीन हैं, शायद उनको वो चीज़ ये थोड़ी बॉदर करे कि इसका जो RPM है ना वो डिजिटल फॉर्म में है, क्योंकि अक्सर लोग जो गाड़ी चला रहे होते हैं उनको आदत होती है कि वो RPM की सुई और स्पीडोमीटर की सुई साथ कंपेयर कर रहे होते हैं, तो इसमें थोड़ा वो एडजस्ट होने में शायद यूज़र को थोड़ा टाइम लगे। राइट पे हमें पता चल जाता है कौन सा दरवाज़ा ओपन हुआ हुआ है, फ्यूल गेज डिजिटल है, हीट कंट्रोल का डिजिटल दिया हुआ है, और ट्रिप ए ट्रिप बी फ्यूल एवरेज का बताया गया है, और यहाँ पे इको आइडल मोड मैंने ऑन किया हुआ तो उसका डिस्प्ले आ रहा है। और ये था इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। लेफ्ट साइड पे हम जब देखते हैं तो इसका तकरीबन 7 इंच का इंफोटेनमेंट पैनल लगा हुआ है जो टच स्क्रीन है। मैंने इसका टच स्क्रीन शूट से पहले भी ट्राई किया था, इसमें काफ़ी लैग है, मतलब कि ये चलने में काफ़ी टाइम ले रहा है। इवन कि जो इसकी अच्छी बात मुझे डिफरेंट लगी कि जो इसकी डे रनिंग लाइट्स हैं वो यहाँ से भी कंट्रोल हो जाती हैं अगर आपने स्विच ऑन करना हो या स्विच ऑफ करना हो। बाकी इसके अंदर कनेक्टिविटी है, रेडियो है, ब्लूटूथ का ऑप्शन, मीडिया सेटिंग्स, इसमें TPMS इंट्रोड्यूस कराया गया है जो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम होता है कि अगर गाड़ी का किसी टायर में कम हो तो बता देता है कि कम है, लेकिन ये नहीं बताता कि किस टायर के अंदर कम है, क्योंकि इसमें काफ़ी एंट्री लेवल का ये सेंसर लगाया गया है। बाकी डिस्प्ले के ऑप्शन आ जाते हैं, ऑडियो के आ जाते हैं, बैलेंस के आ जाते हैं, और ये इसका इंफोटेनमेंट पैनल है। लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि इसका इंफोटेनमेंट पैनल मैंने देखा ही काफ़ी लैग करता है कि उसका रिस्पॉन्स उस तरह का नहीं है। नीचे एसी के वेंट्स आ जाते हैं, ऊपर खूबसूरत सी ये सिल्वर की ट्रिम लगी हुई है, पियानो ब्लैक फिनिश है। अच्छा, ये इन्होंने चीज़ जो है वो थोड़ी खूबसूरत सी दी है कि इसका जो टेम्परेचर है वो एनालॉग है और जो डिस्प्ले है वो यहाँ पे डिजिटल फॉर्म में शो हो रहा है। और अगर हम इसकी एयर कंडीशनर के जो फैंस होते हैं उसके लेवल की बात करें तो यहाँ से ऑपरेट हो जाता है। नीचे हैजर्ड का बटन दिया हुआ है, नीचे 12 वॉट का चार्जर लगा हुआ है, साथ में USB पोर्ट भी है। अगर हम इसकी गियर की बात करें तो ये इसका टिप्ट्रॉनिक गियर है जिसके अंदर हमें दोनों वेरिएशन मिल जाती हैं कि ऑटोमेटिक तो है ही, तो प्लस माइनस का भी ऑप्शन मिल जाता है अपनी पसंद से अगर हम गियर इसको चेंज करना चाहें। आजकल की गाड़ी में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक आ गई, ई ब्रेक आ गई, लेकिन इसमें ये कन्वेंशनल हैंड ब्रेक दी हुई है जो आई बिलीव अच्छा है, क्योंकि काफ़ी जो ओल्ड स्कूल लोग हैं उनको ये काफ़ी चीज़ अपील करती है। इसकी वही बात कि स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी पर थोड़ा एतराज़ कर सकते हैं यूज़र्स,
क्योंकि हर जगह प्लास्टिक का यूज़ हुआ है, और वो भी कोई मतलब मैं नहीं कहूँगा कि ए ग्रेड कैटेगरी का है, इट्स सम वे बिटवीन बी एंड बी प्लस। और ग्लव कंपार्टमेंट भी मुनासिब साइज़ का है, और इसकी सीट्स के ऊपर भी फैब्रिक लगा हुआ है, लेकिन फैब्रिक इसका मैल खोरा नहीं है, मतलब कि बड़ी आसानी से गंदा हो सकता है। दो दफ़ा बच्चे अंदर कोई खाने पीने की चीज़ इस्तेमाल कर लें, खा पी लें, तो इस पर निशाना आराम से पड़ सकते हैं, जो धुलने में शायद मुश्किल हो। इस गाड़ी के अंदर एक एडिशनल चीज़ जो कंज्यूमर को, जो यूज़र्स को अट्रैक्ट करी, वो है इसके अंदर सनरूफ दिया हुआ है, और ये ऑटोमेटिक है, एक क्लिक के साथ ऊपर खुल भी जाता है और ये आराम से बंद भी हो जाता है। यहाँ पे वही ट्रेडिशनल कन्वेंशनल लाइट्स दी हुई हैं, और इस गाड़ी के अंदर दो एयरबैग इंस्टॉल हैं, एक पैसेंजर के लिए, फ्रंट पैसेंजर के लिए, और एक मेन ड्राइवर के लिए। तो सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने दो एयरबैग इंस्टॉल कर दिए, और इसके अंदर ABS का ऑप्शन भी है। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें, क्योंकि गाड़ी के अंदर काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं एज़ कम्पेयर टू द कम्पेटिटर्स, तो इसकी प्राइस बनती है 2.8 मिलियन रुपीज़, मतलब कि तकरीबन 28 लाख, लेकिन इसमें रजिस्ट्रेशन शामिल नहीं है। तो ये था चंगान एल्जवेन 1.5 DCT ल्यूमेर का रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे हमें लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब और हमारा कंटेंट शेयर करें, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो से भी आप इस्तेफादा कर सकें। मैं हूँ आपका होस्ट हमजा जावेद सज़वारी, OLX मोटर से। अल्लाह हाफ़िज़।